आयुर्वेद यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर मनोज विप्लव आप सभी दर्शकों का मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन मित्रों ने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनती है अति शीघ्र हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कीजिए जिससे हमारे आगामी वीडियो शीघ्र और सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। हमारे इस आज के वीडियो का विषय है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप के क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं, क्या संभव घरेलू आयुर्वेदिक उपचार है, इस विषय पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। आज पूरी दुनिया में उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन एक गंभीर समस्या बनी हुई है। आम भाषा में इसे हम हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर वीपी कहते हैं। यह एक जानलेवा बीमारी के रूप में हमारे सामने आ रही है। दरअसल यह एक बीमारी नहीं, गंभीर बीमारियों का लक्षण मात्र है। हाई ब्लड प्रेशर एक शांत ज्वालामुखी की तरह रहता है जिसमें बाहर से कोई खतरा या लक्षण हमें दिखाई नहीं देता, पर यह ज्वालामुखी जब फटता है तो हमारे शरीर में लकवा, अधरंग, हार्ट अटैक, गुर्दा खराब इत्यादि गंभीर परिणाम हमें मिल सकते हैं। पहले यह माना जाता था कि यह समस्या उम्र दराज लोगों में ही होती है, लेकिन बदलते माहौल, खानपान और रहन सहन के जरिए अब यह हाइपरटेंशन युवाओं और बच्चों में भी फैलता जा रहा है। क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर या वीपी? धमनियों में रक्त के दबाव को बढ़ने को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। धमनियाँ शरीर में रक्त वाहिकाएँ होती है जो हृदय से रक्त को सभी अंगों और उत्तकों तक पहुंचाती है। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण हैं? ज़्यादातर लोगों में कोई खास लक्षण नज़र नहीं आते, पर कुछ लोगों में ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने पर सर दर्द होना, ज़्यादा तनाव होना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, अचानक घबराहट, समझने या बोलने में कठिनाई, चेहरे, बाह, पैरों में अचानक सुन्नपन, झुंझनी या कमजोरी महसूस होना, धुंधला दिखाई देना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हाइपरटेंशन कई प्रकार का होता है। कई लोगों के परिवार में अनुवांशिकता भी इसमें असर दिखाती है। अगर किसी परिवार में उच्च रक्तचाप की समस्या होती है तो उनकी अगली पीढ़ी में भी इस समस्या से ग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका एक और कारण है मोटापा। शोध और अनुसंधानों से स्पष्ट हो चुका है कि मोटापा उच्च रक्तचाप को बहुत बड़ा कारण माना जाता है। एक मोटे व्यक्ति में उच्च रक्तचाप का खतरा एक सामान्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। व्यायाम की कमी, खेल कूद, व्यायाम और शारीरिक क्रियाओं में भाग न लेने से भी उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। आयु, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है रक्त वाहिकाओं में दीवारें कमजोर हो जाती हैं और उसे उच्च रक्तचाप की समस्या पैदा हो जाती है। विभिन्न बीमारियों में भी उच्च रक्तचाप हो जाता है। हृदयाघात, हृदय की बीमारियां, गुर्दे का फेल होना, रक्तवाहिकाओं की कमजोर होना इत्यादि बीमारियों में भी उच्च रक्तचाप हो जाता है। इन कारणों के अलावा अधिक नमक का सेवन और अधिक मात्रा में अल्कोहल, धूम्रपान, चाय, कॉफ़ी इत्यादि का सेवन करने से भी उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। अब कैसे बचा जाए कि उच्च रक्तचाप हमारे ना हो? उच्च रक्तचाप के लक्षण कई सालों और दशकों तक दिखाई नहीं देते, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को समय समय पर अपने रक्त दबाव का मापन करवाते रहना चाहिए। यदि सही समय पर इसका इलाज न करवाया गया तो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। दवाइयों का नियमित सेवन करने से व्यक्ति का जीवन शैली बदल जाती है। उच्च रक्तचाप से बचाव के लिए कुछ उपायों का वर्णन मैं आपको करूँगा जिससे आप उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। मोटापे को नियंत्रित करने
नियमित व्यायाम करने, गहरी नींद लेने, तनाव मुक्त रहने और उचित आहार के लेने से उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण किया जा सकता है। ज़्यादा अल्कोहल, धूम्रपान का प्रयोग, नशीली दवाओं का सेवन उच्च रक्तचाप होने की संभावना को और अधिक बढ़ा देता है। यदि आप मधुमेह के रोगी हैं तो कुछ शुगर को नियंत्रित करें, तनाव से बचना चाहिए, खुश रहने की आदत डालनी चाहिए, गहरी नींद लेनी चाहिए। उच्च रक्तचाप से बचने के लिए भोजन का बहुत महत्व है। अगर उचित भोजन लिया जाए तो इससे बचा जा सकता है। भोजन में नमक की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। पोटाशियम को उचित मात्रा में लेने से उच्च रक्तचाप का स्तर अच्छा हो जाता है। इसके अलावा भोजन में फल जैसे केला, संतरा, नाशपाती, टमाटर, सूखे मटर, बादाम, आलू अवश्य शामिल करें, क्योंकि इनमें पोटाशियम की मात्रा अधिक होती है। चिकनाई या फैट वाला खाना कम मात्रा में खाएं। हर इंसान को 30 साल की उम्र के बाद कम से कम एक बार तो ब्लड प्रेशर अवश्य चेक करना चाहिए। जिन लोगों में फैमिली में ब्लड प्रेशर का इतिहास है, उन्हें 20 साल की उम्र के बाद ही हर साल ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य करवाते रहना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर कम करने के लिए सरल घरेलू आयुर्वेदिक उपचार आपको बताने जा रहा हूँ, जिनमें सर्वप्रथम है दालचीनी। 1 से 3 ग्राम दालचीनी का पाउडर ले लीजिए सुबह शाम गर्म पानी के साथ। लेने से यह दवा ब्लड प्रेशर को नियमित करती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी रक्त में से घटाती है। 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच शुद्ध शहद लीजिए, दोनों को मिलाकर यह मात्रा भी नियमित लेने से रक्तचाप बीमारी में आराम मिलता है। शहतूत का शरबत, शहतूत का शरबत 20 से 25 ग्राम की मात्रा सुबह शाम पीने से हार्ट की कमजोरी दूर होती है और हाई ब्लड प्रेशर नियमित होता है। गाजर का मुरब्बा भी फायदेमंद है। लीची खाना और तरबूज खाना भी हाई ब्लड प्रेशर में उत्तम माना जाता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1/2 चम्मच मेथी दाना भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठकर उस पानी को छानकर पी लीजिए और मेथी के दाने चबा चबा कर खाइए। यह नुस्खा भी रक्तचाप को नियंत्रित करता है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है। लौकी का रस सुबह शाम खाली पेट पीने से भी हमारे रक्त की अम्लता घटती है और धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी लुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उच्च रक्तचाप के लिए बहुत ही सरल घरेलू आयुर्वेदिक उपचार आपको बता रहा हूँ। गिलोय, आंवला, सर्पगंधा और अर्जुन के पेड़ की छाल। एक बार पुनः सुन लीजिए, गिलोय, आंवला, सर्पगंधा और अर्जुन के पेड़ की छाल। इन चारों औषधियों को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर कूटकर चूर्ण बना लीजिए और 3 से 5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम पानी से लेने से उच्च रक्तचाप धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। सर्पगंधा का चूर्ण भी 3 से 5 ग्राम सुबह शाम लेने से हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। 1 ग्राम सूखा हुआ धनिया, 1 ग्राम सर्पगंधा चूर्ण और 2 ग्राम मिश्री, इन तीनों को मिलाकर एक मात्रा सुबह, ऐसे ही एक मात्रा शाम को लेने से भी बीपी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। दोस्तों, योग भी हमारे शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। योगा शरीर में रक्त संचार को सामान्य करने में मदद करता है, जिससे हृदय रोग और वक्र रोग नहीं हो पाते। रोजाना प्राणायाम और ध्यान लगाने से मानसिक तनाव कम होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और योगा में सुखासन करें। और दोस्तों, इस तरह हम अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाकर, खान पान में सुधार लाकर, नियमित योगा कर हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप से बचे रह सकते हैं और इसे संतुलित कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया अपनी बहुमूल्य राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए।
जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक बार पुनः विनती, कृपया अवश्य हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे आगामी वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच जाए। जिन दर्शकों ने ये वीडियो पूरा देखा है उनका हार्दिक आभार। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे हमारा समाज स्वस्थ हो, हमारा देश स्वस्थ हो और तरक्की कर सके। जय भारत, जय आयुर्वेद।